हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। हाँ भैया, आपने थंबनेल देखा ही होगा, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, जो हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, इसका नाम ICSE मैथ इसलिए रखा था मैंने क्योंकि मेरा विजन थोड़ा बड़ा था इस चैनल को लेकर। कैसे कि हम इस चैनल के अंदर जितने भी ICSE से रिलेटेड मैथ होते हैं या ICSE स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सलीना हो गया, RS अग्रवाल हो गया आपका, ठीक है, ML अग्रवाल हो गया, OP मल्होत्रा हो गया, ठीक है, सारे मैथ इसके अंदर कवर करना चाहते थे हम, ठीक है। कुछ बातें थी वे जिसकी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया था, जैसे कि सबसे बड़ा रीज़न था कि चैनल जो हमारे ICSE बोर्ड से रिलेटेड बुक्स होती हैं, फिर बोल सकते हैं सलीना, RS अग्रवाल, इनसे रिलेटेड कोई भी इतने ज़्यादा यूट्यूब पर चैनल नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो NCERT से रिलेटेड आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह सब कुछ कराते हैं, ठीक है, बट ICSE से रिलेटेड आपको चैनल इतने नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ चैनल थे जो थोड़े बहुत दिन चले हैं या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने बंद करना पड़ा उनको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे गांव में रहते हैं, गांव से शहर में पढ़ने आते हैं स्कूल बस के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं उनके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोचिंग के लिए कोई साधन नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं मैथ के अंदर। अगर स्टार्टिंग से ही बच्चा मैथ में अच्छा होता है तो अपने आप भी सोल्व कर लेता है। और दूसरा ये भी रीज़न है कि जो ICSE का मैथ होता है थोड़ा हार्ड होता है भाई NCERT से, जो चीज़ें NCERT में 11th क्लास में आती है वो 8th क्लास में ही आ जाती हैं, जैसे सेट चैप्टर है भाई 11th में आता है NCERT में, बट वो 8th क्लास में भी आया हो आपका, जो मैंने करा भी रखा है, ठीक है। तो इसीलिए भी मैंने ये चैनल शुरू किया था ताकि उन सभी बच्चों की हेल्प हो सके जो फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं बेचारे, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, भी वो मैथ को आसानी से इजीली से कर सके, ठीक है। तो इसीलिए भी ये मैंने चैनल शुरू किया था, चाहे गर्मियों या सर्दियों में हर टाइम वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब तो बल्कि वन शॉट वीडियो कर रहा हूँ, सर्दियों में तो फिर भी बन जाती है, गर्मियों में और भी बुरी हालत हो जाती है बनाते हुए, आपको पता है फैन भी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि बाद में आवाज़ आती है पीछे से बैकग्राउंड में, ठीक है, बट मैं फिर भी वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ भाई, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, मैथ में एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें भाई, ठीक है। तो मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, बट मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है चैनल पे, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैंने साइड में यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाया है सब्सक्राइबर का, जहाँ पे मुझे सिर्फ 30% ही सब्सक्राइबर हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ठीक है, बाकी जो 70% बच्चे हैं ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं, जिसकी वजह से चैनल को सपोर्ट नहीं मिल रहा भाई और चैनल अपना ग्रो भी नहीं हो रहा इतना। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके सर्च में भी चैनल नहीं आता, जब उनके आता तो कमेंट में भी बोलते हैं कि सर मुझे बड़ी मुश्किल से ये चैनल मिला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपने चैनल को भी सपोर्ट मिले और चैनल ग्रो करे भी, बाकी आप चैनल को सपोर्ट करो भी, मैं तो हूँ ही आपके सपोर्ट के लिए, चाहे आप क्लास 8th, 9th या 10th में हो, कोई सा भी मैं तो आपका, ठीक है, चाहे RS अग्रवाल, ML अग्रवाल या फिर सलीना, जो भी हो आपका, उसकी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, उन सभी मैथ को कवर कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे जितना उसके जितना जल्दी भी, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट किया करो भाई आप, ठीक है, जैसे NCERT वाले मैथ चैनल जितने भी हैं भाई, NCERT मैथ से रिलेटेड चैनल, जैसे उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, वैसे सपोर्ट किया करो भाई, ताकि अपना चैनल ग्रो करे और हम भी एक ऐसा चैनल हो ICSE मैथ, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे हों ICSE मैथ से रिलेटेड या ICSE बोर्ड से रिलेटेड, उनको कंटेंट ढूंढने की कोई कोशिश ही ना करनी पड़े, सारी चीज़ यहीं पर मिल जाए इस चैनल पर, ठीक है। मैं आप ही के हेल्प के लिए आया हूँ इस चैनल पर, ठीक है। तो यही बात थी भाई जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता था, आपको बताना चाहता था। आई होप कि अब आप चैनल को सपोर्ट करेंगे भाई, ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट को भी शेयर करेंगे चैनल को, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके मैथ के अंदर। और आज से भी चैनल पे हम शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, उन शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर हम जितने भी हमारे मैथ के अंदर फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर एक चैप्टर से रिलेटेड और दोनों बुक चाहे 8th की, 9th की, 10th की, कोई से भी, उन सभी के फॉर्मूले भी इन शॉर्ट्स वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको फॉर्मूले के लिए रिवीजन करना हो तो वहां से कर सको, ठीक है। थैंक यू।